Hello everyone, in this module we are going to talk about Platyhelminthes and Askelminthes. Dono ki naam ko agar aap study karein to Platyhelminthes and Askelminthes isko commonly hum log helminths bolte hain. Helminths ye dono ke bare mein janna zaruri kyun hai bachcho, jab aap MBBS mein aayenge na to MBBS mein hum logon ka hum jab second year mein hote the to wahan par subject hota hai microbiology. To microbiology mein bacteria, वायरस, फंगस जो डिजीज कर्स करते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है. और माइक्रोबायोलॉजी में एक अलग सा बुक आता है जिसका नाम है पारासाइटोलॉजी. तो पारासाइटोलॉजी में दो चीज के बारे में पढ़ते हैं. एक है प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोटोजोआ के बारे में, है ना, जो प्रोटिस्टा में आते थे. और दूसरा है हेलमिंथ्स, और वो हेलमिंथ प्लैटीहेलमिंथ हो सकता है, एस्केलमिंथ हो सकता है. तो ये डिजीज कॉज करते हैं बहुत सारे, इसलिए इनके बारे में जानना आपको जरूरी है. और दूसरा जरूरी इसलिए क्योंकि नीचे में आएगा, है ना, सिंपल सा रीजन. ओके जी, अब प्लैटीहेलमिंथेस एस्केलमिंथेस दोनों में हेलमिंथ वर्ड है, और कॉमन लैंग्वेज में दोनों को ही हम लोग वार्म बोलते हैं, दोनों को ही वार्म बोलते हैं. जो प्लैटीहेलमिंथेस, प्लैटी का मीनिंग है फ्लैट, तो इसको कॉमन लैंग्वेज में फ्लैट वार्म बोलते हैं. प्लैटीहेलमिंथेस इज नोन एज फ्लैट वार्म. जबकि अगर आप एस्केलमिंथेस की स्ट्रक्चर देखें तो ये थ्रेड जैसा दिखता है या राउंड जैसा दिखता है, इसीलिए इसको राउंड वार्म बोलते हैं या थ्रेड वार्म बोलते हैं. बोलो, बेसिक सा डिफरेंस पता चला. अब प्लैटीहेलमिंथेस में कई सारे नए कैरेक्टर आना स्टार्ट होते हैं, जैसे पोरीफेरा सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा में वहां पर डिप्लोब्लास्टिक होता था. प्लैटीहेलमिंथेस पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इससे पहले वाले जो फाइलम हमने पढ़ा पीसीसी, पोरीफेरा सिलेंटेरेटा टीनोफोरा, वहां पर पहले तो सेलुलर और उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. यहां पर पहली बार ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहली बार बायलेटरल सिमेट्री होती है, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बट स्टिल ये असिलोमेट रहता है. और जो एस्केलमिंथेस की बात करेंगे तो वहां पर ये सीडोसिलोमेट होगा. चलिए, बहुत बातें हो गई, अभी इसको एक एक करके सही से लिखना स्टार्ट करते हैं. तो मेरे साथ लिखेंगे प्लैटीहेलमिंथेस, प्लैटीहेलमिंथेस को कॉमन लैंग्वेज में फ्लैट वार्म बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वार्म. ठीक है जी, फ्लैट वार्म. तो दीज फ्लैट वार्म फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है. तो कह सकते हैं दीज आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट. ठीक है, अब कई जो प्लैटीहेलमिंथेस है दीज आर पैरासाइट इनसाइड द बॉडी. तो मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट यानी बॉडी के अंदर रहेंगे और वहां से न्यूट्रिशन को चूसेंगे. तो न्यूट्रिशन को चूसेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे, तो अंदर जो रहेंगे उनको अटैच होने के लिए चाहिए एक हुक, अटैच होने के लिए चाहिए हुक, और वहां से चूसने के लिए चाहिए एक सकर. चूसना यानी सकिंग करना. तो फॉर दैट दे रिक्वायर ए सकर. तो दीज एंडोपैरासाइट्स दे हैव टू स्ट्रक्चर्स, वन इज अ हुक एंड द सेकंड स्ट्रक्चर इज सकर. सकर फॉर सकिंग एंड हुक फॉर अटैचमेंट. बट सम प्लैटीहेलमिंथेस आर देयर हु कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडी सर्फेस. तो रिमेंबर, बहुत सारे एंडोपैरासाइट में हुक एंड सकर होता है, बट कुछ जो है सम प्लैटीहेलमिंथेस, सम एंडोपैरासाइट दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडी सरफेस. एनसीईआरटी का लाइन बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि आजकल ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं. ज्यादा क्या, हर 90 में से लगभग 88 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आते हैं. लास्ट 3 साल का क्वेश्चन देख लो आप, है ना. ओके, बाकी कुछ बेकार सी बातें कर लेते हैं, बेसिक सी बातें. हैविंग ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सर कितनी बार बताओगे, अरे फिर भी लिख लो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री, ओके ओके, बाइलेटरल पहली बार, इससे पहले रेडियल हुआ करता था. उसके बाद सर इससे पहले डिप्लोब्लास्टिक होता था प्लैटीहेलमिंथेस में, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक, अरे बोलो. और यहाँ पर स्टील ये एसिलोमेट रहता है, एसिलोमेट, है ना. अब इसकी अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो बोलो बच्चों डाइजेशन कैसे होगा. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं
सेकेंड मॉड्यूल में डाइजेशन इज थ्रू इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसका सिंगल ओपनिंग होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा सेल के बाहर होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, इसके एक्सक्रेशन में यहां पर होते हैं फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया। तो फ्लेम सेल्स का काम क्या है? एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन। अच्छा, एक बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ लो। ओस्मोरेगुलेशन यानी बॉडी के अंदर कितना सोल्यूट रहना चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट्स रहना चाहिए, सोडियम पोटाशियम हर ऑर्गेनिज्म में होता है ना, आयंस होते हैं, तो ये इसको मेंटेन करके रखना, इस चीज को बोलते हैं ओस्मोरेगुलेशन। तो ध्यान रखना, जो भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन होगा ना, वो कहीं ना कहीं ओस्मोरेगुलेशन मेंटेन ही कर रहा होगा। जैसे हमारे बॉडी में बोलूं तो हमारा किडनी एक्सक्रेशन के साथ साथ ओस्मोरेगुलेशन करता है, कॉकरोच में माल्फीजियन ट्यूबल ओस्मोरेगुलेशन करता है, एनेलिड्स में रेनेट सेल सॉरी नेफ्रिडिया वहां पर ऑस्मोरेगुलेशन करता है, तो प्लाटीहेलमिंथस में फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन करता है। कोई नई वाली बात नहीं है सर। जरा सा इसकी नर्वस सिस्टम के बारे में बताओ ना। हाँ जी, इसमें नर्वस सिस्टम होता है लैडर लाइक न्यूरॉन, लेकिन बच्चा ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये देख लेना, एनसीईआरटी में है या नहीं है लैडर लाइक न्यूरॉन, जस्ट यू कैन रिमेम्बर, ये आया नहीं है क्वेश्चन यहाँ से। इनकी प्रॉपर्टी होती है रीजेनरेशन की, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं प्लानारिया, प्लानारिया प्लाना है, तो इट इज अ प्लाटीहेलमिंथस, इसको काट देंगे तो दोबारा इससे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, तो दे हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ रीजेनरेशन। ठीक है जी, और इसका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गेमेट बनेंगे एंड यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा सर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, इस साइड से आप लिख लेना या समझ लेना। मेल गेमेट है, फीमेल गेमेट है, फीमेल के बॉडी के अंदर है, तो मेल गेमेट उसके बॉडी के अंदर घुसेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फीमेल गेमेट भी बाहर निकल गया, मेल गेमेट भी बाहर आया और बाहर दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जरा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, हमारे अंदर जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला, वहां पर फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, तो देयर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करेंगे, ज्यादा डेवलप्ड कौन सा? इंटरनल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर भी जो प्लाटीहेलमिंथस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और यहां पर भी अगेन दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर लार्वा, और इसमें प्लाटीहेलमिंथस में कई वैरायटी के लार्वा होते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा लार्वा का नाम, नहीं तो फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये नीट में आजकल नहीं आता। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जानने के लिए जरा सा ये देखेंगे, ये कैसा दिख रहा है, एकदम टैप है, तो इसको बोलते हैं टैप वार्म, और ये जो आपको दिख रहा है दिस वन इज लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, ये लीवर में रहता है इसीलिए इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, क्योंकि दिस आर एंडोपैरासाइट। ये जो टैप वार्म है ये आपका इंटेस्टाइन में रहेगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म है लीवर फ्लूक, ये लीवर में रहेगा और फिर वहां पर जाके डिजीज कॉज कराएगा। तो डायग्राम आपने देख लिया, अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लिखा रहा हूँ। प्लाटी हेलमिंथेस आर अगेन ऑफ टू कैटेगरीज, पहला टेप वार्म और दूसरा फ्लूक, फ्लूक। टेप वार्म को बोलते हैं सीस्टोड, क्या बोलेंगे बच्चों? टेप वार्म को बोलते हैं सीस्टोड या सीस्टोडा। ठीक है, और ये जो फ्लूक, फ्लूक को बोलते हैं ट्रेमाटोर, ट्रेमाटोर, अरे याद रहेगा, फ्लूक को बोलते हैं ट्रेमाटोर एंड टेप वार्म को बोलते हैं सीस्टोड। देखो टी से टेप वार्म है, आपको टेप वार्म एंड फ्लूक याद रखना है, सिस्टो ट्रेमाटोड एनसीआरटी में नहीं है, तो टी से टेप वार्म एंड टी से आपको याद रखना है एग्जाम्पल टीनिया, टीनिया। ये टीनिया एक जीनस है, टीनिया का बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, दो स्पीसीज में आपको बता रहा हूँ, टीनिया सोलियम एंड दूसरा टीनिया सजीनाटा।
टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनाटा। ये टीनिया सोलियम ह्यूमन को इफेक्ट करता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज पिग, ये पिग में रहता है। और जो टीनिया सेजिनाटा है ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काओ में करता है, यानी इसका प्राइमरी होस्ट काओ है। ठीक है जी, तो सोलियम इज पिग, सेजिनाटा इज काओ। एंड रिमेम्बर, इसीलिए पिग का जो लोग मीट खाते हैं ना, पिग का जो लोग मीट खाते हैं, हाँ कुछ लोग खाते हैं, तो उसमें से अगर टीनिया सोलियम घुस गया ना, तो उनका ब्रेन में एक सीवियर डिजीज कॉज करता है, जिसको बोलते हैं सिस्टिसरकोसिस। उस डिजीज को बोलते हैं सिस्टिसरकोसिस। एनसीआरटी में नहीं है अभी के लिए, आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप एमबीबीएस में आएंगे ना, ये पक्का क्वेश्चन आता है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सोजिनाटा, वो पूछते ही है ना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्लूक। फ्लूक को ट्रेमाटोड बोलते हैं। तो ये फ्लूक एग्जाम्पल तो एक हमने देख लिया, दैट इज लीवर फ्लूक, लीवर में रहता है, तो इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। और लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम होता है फेसियोला हेपाटिका। हेपाटिका वर्ड यूज होता है लीवर के लिए, तो या तो मैं यहाँ पर सिंपली आपके लिए फेसियोला लिख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ इसका एग्जाम्पल है लाइक सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, ये सिस्टोसोमा यूरिनरी ब्लैडर में डिजीज कॉज कराता है। अभी के लिए आपको नहीं जानना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है जी, और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों प्लानारिया। प्लानारिया, और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लानारिया रीजेनरेशन कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाटीहेलमिंथेस। उसके बाद हम आएंगे आस्केलमिंथेस में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग प्लाटीहेलमिंथेस वी विल डिस्कस अबाउट आस्केलमिंथेस। आस्केल मिंथेस, यही आस्केल मिंथेस को नेमाटोडा भी बोलते हैं, नेमाटोडा। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, प्लाटीहेल मिंथेस में एक सिस्टोडा होता था, दूसरा ट्रेमाटोडा होता था। ट्रेमाटोडा को फ्लूक कहते थे, सिस्टोडा को टेपवाम कहते थे, और जो आस्केल मिंथेस है इसको नेमाटोडा भी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये आस्केल मिंथेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसे दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है। यानी अगर मैं काटूं तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, ओके जी। सो दिस आस्केलमिंथेस, फटाफट मेरे साथ लिखेंगे, दीज आर हैविंग सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और क्योंकि इनमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज राउंड वर्म और ऑल्सो नोन एज थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म, ठीक है, ओके। अभी आस्केलमिंथेस कई तरह के हैबिटेट शो कर सकते हैं, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, अपने आप घूम रहे होंगे, फ्री लिविंग है। कई बार ये पानी में रहते हैं, एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर, मेरिन कुछ भी हो सकता है। कई बार ये लैंड में घूमते रहते हैं, तो दे कैन बी टेरेशियल। एंड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पारासाइट होते हैं बच्चों, पारासाइट। और पारासाइट प्लांट में भी हो सकता है, प्लांट पैरासाइट और एनिमल पैरासाइट भी होते हैं, और कई वैरायटी के डिजीज कॉज करते हैं, जो हम क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। और अभी भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, वेट करने की जरूरत नहीं, अभी भी आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बोलो आस्केलमिंथेस से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होना स्टार्ट होता है। तो इट इज हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट यानी इट हैज बोथ माउथ एंड एनस। और साथ में एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका जो फूड लेने के लिए माउथ से फूड लेगा, एंड इट हैज ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एनसीईआरटी का सेंटेंस है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स कहाँ दिखेगा, तो आपको आंसर देना है आस्केलमिंथेस या नेमाटोडा में। अगर इसकी एक्सक्रेशन की बात करें, तो एक्सक्रेशन ऑलरेडी सेकेंड मॉड्यूल में बता चुके हैं कि एच शेप्ड यहाँ पर रेनेट सेल होता है। तो आप ये लिख सकते हैं एच शेप्ड एक्सक्रेटरी, एच शेप्ड एक्सक्रेटोरी ट्यूब, और दैट इज एच शेप्ड रेनेट सेल। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, तो एक नर्व कॉर्ड होता है और एक नर्व रिंग होता है। अभी आप इस सेकेंड मॉड्यूल सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए बस मुझे अभी लिखना है, आप अपना नोट्स पे लिख लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या ये है बच्चों,
इसका जो सेक्स की अगर बात करें तो दीज आर डायोइसियस। और आप याद रखना, डायो डी से डायोसियस एंड डी से डेवलप्ड। हम लोगों में भी मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। मैं मेल हूं, कोई फीमेल होगी तो चलो छोड़ो। हाँ, सो मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, तो मेल एंड फीमेल अलग है, दोज आर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एंड दीज आर कॉल्ड डायोसियस। तो डी से डायोसियस, डी से डेवलप्ड। और ये जो आस्केलिमिंथेस है, दीज आर ऑल्सो डायोइसियस। डायोइसियस यानी इसका मेल अलग होगा एंड फीमेल अलग होगा, ठीक है। मेल अलग एंड फीमेल अलग, ठीक है जी। चलिए अब यहां पर आपको ध्यान रखना है मेल एंड फीमेल में डिफरेंस, मेल एंड फीमेल में डिफरेंस। थोड़ा सा यहां पर आप डायग्राम देख लीजिए, फिर हम लोग लिखेंगे। ये मेल है और ये फीमेल है। बोलो लॉन्गर कौन सा? फीमेल इज लॉन्गर। और मेल में जो उसका टेल रीजन है, यहां पर थोड़ा सा कर्व होता है, ये इस तरह से कर्व होगा, ठीक है। और फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। तो उसी चीज को चलिए अभी हम इसमें लिखते हैं। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो ये मेल है, ये फीमेल है। मेल राउंड वार्म, फीमेल राउंड वार्म, दोनों में डिफरेंस जरा सा अपन लिख लेते हैं। जो मेल राउंड वार्म है, ये उसकी टेल रीजन में इस तरह से कर्व होता है, एंड फीमेल इज लॉन्गर, है ना, फीमेल लॉन्गर होता है। ओके, तो लिखेंगे दीज आर डायोसियस, यानी दे आर हैविंग सेपारेट सेक्सेस, सेपारेट सेक्स, मेल एंड फीमेल अलग। तो जो मेल है, मेल इज शॉर्टर, फीमेल इज लॉन्गर, ये तो डिफरेंस आपने लिख लिया। मेल का जो ये एनस है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोआका, क्लोआका, और ये कर्व्ड होता है, उसका टेल रीजन कर्व्ड होता है। फीमेल में ऐसा कोई भी कर्व्ड नहीं होगा, फीमेल इज लॉन्गर, मेल इज शॉर्टर। यहाँ पर एक्सक्रेटरी पोर होगा, यहाँ पर एक्सक्रेटरी पोर होगा, लेकिन फीमेल में एक्स्ट्रा यहाँ पर एक गोनोपोर होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गोनोपोर इन फीमेल, लेकिन मेल में ऐसा कोई गोनोपोर नहीं होगा। फीमेल में जो टेल इज स्ट्रेट, टेल इज स्ट्रेट, लेकिन मेल में स्टेली टेल इज कर्व्ड। बोलो लिख लिया? ओके, सो दीज आर द सम पॉइंट्स। अच्छा जी, अब इसके अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन जो है, ये मेल एंड फीमेल दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फिर वही घिसी पिटी बातें, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर अगेन सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायोसियस हैं, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन के बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी दे आर इज ए इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लार्वा, लार्वा होगा। इसमें लार्वा, अगेन नाम आपको याद नहीं रखना है, रैबडिटी फॉर्म लार्वा हो सकता है, माइक्रोफिलारिया हो सकता है। रैबडिटी फॉर्म लार्वा एंड माइक्रोफिलारिया लार्वा में नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, वाह, क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे? वाह, बोलो क्या याद रखेंगे? वाह वाह, वाह से बोलो। हाँ, ये याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, डब्ल्यू ए एच, है ना। पहला जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू से ऊचेरिया, ऊचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, और आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाएगा, ये जो ऊच एरेरिया बेनक्रॉप्टी है, ये फाइलारिया कॉज करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइलारियल वार, फाइलारियल वार। ओके, पहला ए, ए से आपको याद रखना है आस्कारिस, और ये आस्कारिस कॉज करता है आस्कारियासिस, जिसको हम लोग क्रूमी भी बोलते हैं, क्रूमी, उड़िया में इसको क्रूमी बोलते हैं ना, जिसके लिए अलबेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। तो याद रख लो, अलबेंडाजोल एक टैबलेट है जो कृमि के लिए दिया जाता है, दैट इज आस्कारियासिस। नेक्स्ट ए से है एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा, इसका पूरा नाम होता है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, एंकाइलोस्टोमा। और ये एंकाइलोस्टोमा का कॉमन नेम होता है हुक वार्म, ये एनसीईआरटी में है, आपको याद रखना है हुक वार्म, ठीक है। तो याद रखेंगे एच से हुक वार्म, ए से एंकाइलोस्टोमा, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है, बाकी ये ओ कैरेरिया बेनक्रॉप्टी एंड ए से आस्कारिस। बोलो इतना याद हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लाटीहेलमिंथेस एंड
Ascalimynthes. In the next module, we will talk about Annelida and Arthropoda. So, that's all for now. Thank you.